See now, third question is 2x plus 1 the whole bracket square plus 2x minus 1 the whole bracket square upon 2x plus 1 the whole bracket square minus 2x minus 1 the whole bracket square. यहाँ पे plus है, यहाँ पे minus है. Is equal to 17 upon 8. Okay, this is our question. Question लिखा यहाँ पे component of dividend है by component of dividend. क्या करना है? ये पूरे इसमें से इसको माइनस करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है. बिग ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट में 2x plus 1 the whole bracket square plus 2x minus 1 the whole bracket square. ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इसमें से डिनोमिनेटर को प्लस किया 2x plus 2x plus 1 the whole bracket square minus 2x minus 1 the whole bracket square. यहाँ पे कॉम्पोनेंट हो, यहाँ पे डिविडेंड हो. 2x 1 the whole bracket square plus 2x minus 1 the whole bracket square minus 2x plus 1 the whole bracket square minus 2x minus 1 the whole bracket square is equal to दोनों सेट करना है ना 17 plus 8 17 minus 8 ब्रैकेट ओपन करने के बाद 2x plus 1 the whole bracket square plus 2x minus 1 the whole bracket square plus 2x plus 1 the whole bracket square minus 2x minus 1 the whole bracket square. सो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, पूरा पूरा ब्रैकेट कैंसिल हुआ. सेम यहाँ पर भी 2x plus 1 minus 2x plus 1 दोनों क्या हुए कैंसिल हुए. सो 2 टाइम 2x plus 1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम 2x minus 1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9. क्या हो जाएगा, 2 2 का कैंसिल, 2x plus 1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2x minus 1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9. बाय टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नेगेटिव भी आ सकता है. सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, 2x plus 1 upon 2x minus 1 is equal to 5 upon 3. क्या कहा यहाँ पे, 2x plus 1 upon 2x minus 1 square root देंगे इसका, bracket का भी square root आया तो bracket का square root bracket लेगा, that is 2x plus 1 और यहाँ पे 2x minus 1 is equal to 5 upon 3. cross multiply किया, 3 into 2x plus 1 is equal to 5 to 2x minus 1. so 2 is the 6x plus 3 is equal to 10x minus 5. अब यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, सो 6x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4x इक्वल टू माइनस 8 माइनस कैंसल माइनस कैंसल देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2 4 वन द 4 टू द सो देयरफॉर x इक्वल टू इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. अब समझ में कंपोनेंट में करना है, ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, कैंसिल करके स्क्वायर रूट लेना है और फिर आगे सॉल्व करना है. ठीक, राइट डाउन. सी नाउ फोर्थ क्वेश्चन, रूट फोर एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट फोर एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 4/1. ठीक, सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखा, बाय कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो रूट फोर एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट फोर एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लस थ्री. ब्रैकेट में लिया है ना, फोर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री माइनस रूट फोर एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 4 + 1 4 - 1 कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो. एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री कैंसल, 4x plus 1 minus plus 1 cancel, क्या बचेगा यहाँ पे, okay, 4 plus 1 5, 4 plus 1 3, क्या बचेगा 2 times 4x plus 1 upon 2 times x plus 3 is equal to 5 upon 3, 2 2 cancel, okay, बचा क्या 4x plus 1 upon x plus 3 is equal to 5 upon 3. इसके पहले वाले में मैं square root लिया था, क्या रहा था square root, यहाँ पे क्या करना है उल्टा करना है, मतलब square square on both side. इसका स्क्वायरिंग किया तो रूट मिल गया, तो बचेगा क्या 4x plus 1 upon x plus 3 is equal to 25/9 cross multiply 9 into 4x plus 1 is equal to 25x plus 3. So 9 for the 36x plus 9 is equal to 25x plus 75 36x minus 25x is equal to 75 minus 9. ये यहाँ पे माइनस हुआ, ये यहाँ पे माइनस.
So 36x minus 25x is equal to 11x is equal to 66, and x is equal to 66 divided by 11. X is equal to 6. 11 1 is 11, 11 6 is 66. So, इसमें x की वैल्यू क्या आती है? 6. Okay, write down.